नेक्स्ट है वर्षा दी की सबसे अच्छी और बुरी आदत। क्या आप नीरज जीजू की शादी वर्षा दी के साथ करवा के खुश हो? सास बहू का रिश्ता हमेशा कड़वा होता है, सो आपका कैसा चल रहा है? अभी भी तो रिहर्सल ही करना है। अब रिहर्सल नहीं है, हाँ अब डायरेक्ट हुआ है वीडियो। ठीक है, थोड़ा ऐसे बेटा, थोड़ा सीधा ऐसे, ऐसे। हाँ ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो हाय। शी इज माय सासू माँ, मदर इन लॉ। तो आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा सास बहू क्यू एन ए वीडियो, क्वेश्चन आंसर वीडियो, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे सवाल थे मम्मी और मेरे को लेके, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के क्लियर कर लेते हैं। बट जब मैंने ये इंस्टाग्राम पे डाला क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इतने सारे क्वेश्चन आए, तो मुझे लगता है कि ये पार्ट 1 एंड 2 में बनेगा। तो पार्ट 1 में हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, पार्ट 2 में खतरनाक क्वेश्चन। बहुत ठीक खतरनाक क्वेश्चन आया है। अच्छा ठीक है, हाँ तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट मम्मी, स्टार्ट। डन। लो, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। ये सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है मम्मी। आपका क्वेश्चन ये है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षलता गुरु। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, मैंने मेंशन किया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मम्मी से पूछना, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि मेरे को तो लोग जानते ही हैं, बट आपको आपके बारे में मतलब और जानना चाहेंगे इसलिए। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वर्षा कैसी बहू है? वर्षा बहुत अच्छी बहू है, वो तो हम देखने गए थे तभी पसंद आ गई थी हमें, सभी अच्छा। संस्कार दिखाई दे गए पहले ही। तीसरा क्वेश्चन है, वर्षा दी के हाथ का सबसे बेस्ट से भी बेस्ट वाला डिश कौन सा है खाना? बेस्ट तो हमें, हमने नाश्ता खाया जो सुबह का, वो सबसे बेस्ट था। का वो चिल्ला, चिल्ला, अभी तक वही बेस्ट लगा। नहीं, उससे पहले तो हमने खाना खाया, चिकन खाया और चटनी, यानी पूरा खाना, कंप्लीट खाना अच्छा, अच्छा था बनाया हुआ। तो मतलब चिल्ला ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं, खाना भी, खाना अपनी जगह में, चिल्ला अपनी जगह में, चलो ठीक है, दोनों मतलब बेस्ट था। ठीक है। हाँ व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर मदर इन लॉ? मतलब मेरे से पूछा है क्वेश्चन। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ लगता है मम्मी में कि बहुत सपोर्टिव है, कि जो उनसे लाइन में मैं हूँ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता अच्छी बात है। है। नीरज आंटी ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीरज जीजू की बचपन की बुरी आदत बताइए। की बुरी आदत हम तो भी मुझे सुनेंगे, हम भी कुछ भी सुनेंगे। नहीं है, सच्ची सही बात है। अपने मुंह से अपने बेटे बेटी की बुराई नहीं करते कभी मम्मी पापा, पर नीरज की ऐसी कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि वो सबसे सीधा ऐसे बच्चे थे इसलिए, है ना। बिल्कुल, वैसे अपने बच्चों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बच्चों की हमेशा दूसरे तारीफ करें, वो हाँ, तारीफ मानी जाती है। बुराई भी नहीं करनी चाहिए ना। बुराई भी नहीं, बुराई बुराई तो करनी क्यों, हाँ। बुराई है भी नहीं। बुराई बुराई है नहीं भी है इसलिए तो नहीं, बहू आई इतनी अच्छी। बिल्कुल, खुद नहीं, खुद तारीफ नहीं। नेक्स्ट नेकी है। क्वेश्चन है, वर्षा दी घर के काम में कैसी है? आई नो अच्छी है, बट आपके मतलब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैं घर के काम में कैसी हूँ। देखो, अभी घर के काम के लिए ठीक है वो, लेकिन अभी उसके अंदर बचपना है, इस उम्र में मतलब इतना मैच्योर नहीं है, फिर भी बहुत हेल्प करती है, जो भी मेरे साथ जो भी खाना खाना हो, चाय पूछती है, और क्या है, अभी काम भी कुछ इतना नहीं है घर में, हाँ, है ना घर पे भाई। इतना काम रहता नहीं है, हाँ मतलब ठीक हूँ, अच्छी हूँ। ठीक ठीक है, है। हम दोनों काम मिलकर करते हैं। वैसे मुझे किचन में आने नहीं देती, ये तो तारीफ मैं करूंगी कि मम्मी आप बाहर चले तो मैं अपने आप बनाऊंगी, पर फिर भी अब हमें तो आदत पड़ी है, मैं तो बार बार किचन में जाती हूँ, कि मेरे को खुद आता है कि भी ज़्यादा काम ना करवाऊँ, मैं खुद उसके साथ हाँ, मम्मी लगाऊँ। मेरे को इतना काम कराते नहीं है, हाँ सुबह झाड़ू भी लगाना होता है, बोलते नहीं तुम मत लगाओ, तुम मत लगाओ, बट फिर भी ठीक है, सब लोग मिलजुल के करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके घर से ससुराल कितना दूर है? 2.5 3 3 घंटे, दो अपनी गाड़ी में 2 घंटे, 2 घंटे, 2 2.5 घंटे तो आराम लग से, ही जाते हाँ हैं। आराम से, हाँ जैसे रास्ते में रुको, ढाई चाय वाय पियो, ठंडा वंडा, तब तो 2.5 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा दी की सबसे अच्छी और बुरी आदत। अच्छी और बुरी आदत, एक अच्छी आदत बता दो, एक बुरी आदत बता दो।
बहुत बुरी अच्छी तो आदत कैसे। तो देखो कभी भी, अभी तक तो मुझे मतलब कि अच्छा अच्छी आदत था, ओ, अच्छी बुरे आदत अच्छी अभी तो तक मुझे मुझे दिखी नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छी आदत है। मेरे को ये चाहिए था कि एक बहू के अंदर ये स्माइल होनी चाहिए कि घर में कोई आए, ऐसा नहीं चेहरा बनाना, स्माइल हमेशा रखना। स्माइल, रिस्पेक्ट देना है सबको, वो सभी में सभी गुण है वर्षा के अंदर। और बुरी आदत के लिए मैं बोलूँ, बुरी आदत तो मुझे कोई बुरी आदत नजर नहीं आती। अभी वैसे टाइम ही इतना नहीं हुआ, अभी तो पता ही नहीं चलता बुरी वैसे भी है नहीं नहीं वो जी, तो। वो जो दिखना होता है पहले नजर आ जाता है, हाँ बस। सच में नहीं है बुरी आदत। चलो ठीक। अरे सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए, तपाई सासूमा सँग पहिला बिहा हुँदा पहिला पनि बोल्थे, मतलब पहले आप सासूमा से शादी से पहले भी बात करते थे। हाँ भाई हाँ बिल्कुल, बहुत, काफी देर, दो दो घंटे एक एक हाँ घंटे काफी, बात कम हंसना ज़्यादा होता था ना। हाँ बिल्कुल, ये काफी बातें शेयर करते थे हम आपस में कि ऐसा है ऐसा है, बस लगे रहते थे। लेकिन ये है कि जब भी मैं फोन करती थी, कभी इसने मिस नहीं किया, एकदम से उठाया। ऐसा होता है ना कभी कभार, अरे फिर आ गया इनका फोन, मैं ना उठाऊं, मैं ना बात करूं, बाद में करूंगी, ऐसा इग्नोर नहीं किया इन्होंने, वो मुझे अच्छी आदत लगी। नेक्स्ट है, क्या आप नीरज जीजू की शादी वर्षा दी के साथ करवा के खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ। तीन अच्छी आदत बतानी है मेरे को आपके बारे में, आपको मेरे बारे में। तीन, पहले तीन, कौन बताएगा आप? चलो पहले मैं बताती आप हूँ। हाँ बताओ। सबसे पहले तो सपोर्टिव वाला जो मैंने बताया आपको कि सपोर्ट करते हैं, और दूसरा जब शादी से पहले मैं टेंशन लेती थी मैं कैसे करूँगी ये सब चीज़ कैसे रहेगा, तो उस चीज़ में तब मम्मी मेरे को बहुत समझाते थे कि टेंशन मत लो ये मत करो सब कुछ हो जाएगा ऐसे। एंड तीसरा चीज़ वीडियो के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं कि अरे तुम वीडियो क्यों नहीं बना रही, वीडियो बनाओ ये करो वो करो, तो वो चीज़ मुझे पता चलता है। हो गया हाँ तीन, तीन ओ, और भी बताओ। नहीं हो गया क्या तीन। बताएं हाँ और। अच्छा मैं बताऊँ आपके बारे में कि तीन। कभी हम मार्केट जाएंगे ना दोनों, कई बार होता है ना कि लड़कियां ऐसी होती, चाहे लड़कियां नहीं औरतें भी, सास भी बहू भी, यानी कि अपना पैसा मैं ना निकालू, वो नहीं है इनके अंदर ये बात। अच्छा। खाना हम खा रहे हैं, एकदम से बिल पे करने चले जाते हैं, मतलब दिल खुला है तो उसके लिए तारीफ लायक है। एक दो बचे और, दो, मजा आ रहा है तारीफ सुनने में आज। अच्छा। नहीं, इनके अंदर दूसरी ये है कि जो मैं बोलूँ वो करते हैं, कभी बात इन्होंने, मानते हैं। हाँ कहना मानते हैं। तीसरा ये है कि, तीसरा क्या है याद करूँ? नहीं, तीसरी आदत अच्छी है, जो हम खाएंगे पिएंगे वो इसमें कभी नखरे नहीं दिखाती। नहीं सही बात है, खा लेते हैं खाने के लिए। नहीं, हाँ ये है कि झूठ नहीं, वो तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना, मतलब वरना मैं थोड़े तो से नखरे तो दिखाती हूँ बट, दिखाते हो। कोई नहीं, अब बच्चे हैं तो वही है, पर अब घर पे जैसा दिखाती थी वैसा यहाँ पे नहीं दिखाती, तो वो अच्छा है। हाँ ठीक है अभी तो ओ, काफी कुछ मैं खाने बोल लग रही हूँ। चलो पड़े। ठीक है। और नेक्स्ट और क्वेश्चन है, क्या आपकी बहू संस्कारी है? बिल्कुल संस्कारी है, देखो भाई सूट सूट वाट पहन के बैठी हूँ मैं, घर पे भी सूट पहन के रहती हूँ ना, वैसे भी संस्कारी हूँ सूट पहनने से नहीं वैसे भी, मतलब मैं अच्छी खुद ही बात आंसर दे रही आप बताओ। सही बात है भाई। चाहिए आपके लिए क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, क्या चीज? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया आपके लिए। ओहो, क्या बोलो। आपकी सासू माँ की खूबसूरती का राज क्या है? हाय हाय, खुश रहना। खुश रहना सही बात है। हाँ जितना खुश रहते हैं उतना ही चेहरा ग्लो करता है, जैसे आप मेरे से शादी के बाद ग्लो देख रहे हो, मैं बहुत ज्यादा खुश अब ये भी बताना मेरी सासू माँ कितने साल की है। हूँ। ये पूछा था पर मैंने क्वेश्चन डाला नहीं, अच्छा बताना है बता दो, बता दो कितने साल के, ये क्वेश्चन पूछा था वैसे। 54। 51 तो जवान ही है भाई। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग की पहली चाय कौन बनाता है दोनों में से? वर्षा बनाती है, वर्षा उठ जाए वर्षा बनाती है, अगर मैं उठ जाऊँ मैं बनाते हैं, अगर पापा पापा उठ उठ जाए जाए पापा पापा बनाते बनाते हैं। हैं, बस।
सर्दी में थोड़ा ही रहता है कि थोड़ा आप लेट ही उठते हैं, चाहे चाहे वर्षा चाहे मैं, दोनों की जोड़ी से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए है, आपको आपके ससुराल वाले पसंद है या नहीं? बिल्कुल बहुत पसंद है, इतनी खुश हूँ मैं, दिख रहा है आपको, इतना प्यार करते हैं मेरे को, इतने अच्छे से सरप्राइजेस देते हैं, बेटी जैसा प्यार करते, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट है आंटी जी, आपको कभी गुस्सा आया वर्षा दी व्लॉग में लगी है और काम करना रह गया हो, मतलब मैंने काम नहीं किया हो मैं व्लॉग में लगी रहूँ, ऐसा कभी गुस्सा है ना आपको? ना मैं तो बोलती उसको ब्लॉग ना बनाती हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम भी करती हूँ, काम के साथ साथ व्लॉग ही बना देती हूँ, है ना, खाना बनाते बनाते व्लॉग बनाती हूँ। हाँ नहीं, कई बार किसी मतलब पूछा था ये कि वसदी आप काम तो करते दिखाई नहीं देते, आपकी सासू माँ काम करती है, हाँ मेरी तो ये मम्मी सारे गलत है। कमेंट पढ़ते हैं, सारे हाँ सारे, मेरे को आके बताते नहीं हैं, ऐसे ऐसा ऐसे कुछ नहीं, बोला। ऐसा है ना, फिर अब जो काम करेगी या फिर व्लॉग बना के बताएंगे कि मैं ऐसा कर रही हूँ ऐसा, ये है ना। पर मम्मी तो उल्टा है, ऐसा बोलते हैं व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, आज वहां चले व्लॉग बनाओगे, ऐसे कैसे, ऐसा रहता है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपकी सास पहले से ही फ्री माइंडेड है या अभी? तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरे लिए होगा, पहले से, जब से मैं मिली हूँ तब से तो ऐसे हैं और अभी तक ही ऐसे हैं, फ्री माइंडेड, ओपन माइंडेड, मतलब कुछ भी नहीं कि ऐसा, हाँ वैसे जैसे होते हैं ना थोड़ा सा, मतलब पुराने टाइप का सोच होती है, मतलब वैसा नहीं है, अच्छा सोचते हैं, फ्री माइंडेड है, तभी तो इतना चिल करते हैं हम लोग। मैं करता था ऐसा, करता था चील बनाना, चिल करते हैं। नेक्स्ट है, आप दोनों की मन की फीलिंग क्या सोचते हो आप एक दूसरे के बारे में? हम दोनों की मन की फीलिंग, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ? कहीं बुरा क्यों सोचना, जब मैं अपने बेटे की शादी करके बहू को लेके आई हूँ तो वो भी बाहर से आई है, तो मेरे लिए तो मेरे दिल में तो अच्छी फीलिंग आती है। मैं भी अच्छा ही सोचती हूँ, ऐसा तो कुछ उल्टा अभी तक सोचा नहीं है। ना भगवान, उल्टा मन में भी ना आए टच वर्ड। सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास बहू का रिश्ता हमेशा कड़वा होता है, सो आपका कैसा चल रहा है? हमारा तो मस्त चल रहा है अभी तो, अभी भी भगवान टच वर्ड, आगे भी आगे भी मस्त चलेगा। अच्छा रहे, खुश रहे। सो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है शायद, हाँ अब लास्ट क्वेश्चन है, आप अपनी बहू के साथ क्लब जाओगे कभी? बिल्कुल वन पीस जाएंगे। लगा अब के, वन पीस देखो मैं तो वन पीस लगाऊंगी नहीं, मतलब कभी लगाया ही नहीं वन पीस, तो क्यों लगाना, भी जो सच्चाई है सच्चाई है। ये है कि हम लोग, मम्मी मेरे साथ जाएंगे क्लब कभी, ऐसा इन फ्यूचर रहे तो फिर लेके जाऊंगी, मैं ब्लॉग बनाऊंगी, उस ब्लॉग का इंतजार करना आप लोग। फर्स्ट पार्ट का सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, आपको कैसा लगा मम्मी आंसर्स देके? मेरे को अच्छा लगा। ये तो नॉर्मल थे, आपने इजीली आंसर दे दिया, अब जो दूसरा पार्ट है ना उसमें थोड़े खतरनाक क्वेश्चंस हैं, तो ओहो, उसके उसमें टाइम में आपको थोड़ा वो लगेगा। उसमें क्या मार कुटाई वाला होगा दोनों का। हाँ मैं आपको मारूंगी, आप मेरे को नहीं, मजाक कर रही हूँ, उसमें थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन के लिए आपको पार्ट टू देखना पड़ेगा, वो आप इस वीडियो के बाद आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, और सब्सक्राइब करना। शेयर करना एंड कमेंट करना, और पार्ट टू का इंतजार करना। तब तक आप पार्ट टू की थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे, तो यस आप क्लिप देखिए एंड फिर पार्ट टू में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बाय कर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। चलते चलते आप क्यों बाय कर रहे हो, पापा बाय कर रहे हो वैसे? उनका नंबर भी आएगा। हाँ अगर आप चाहते हो कि पापा के साथ भी क्यों ने वीडियो बनाए तो बताना, तो कमेंट में लिखना यस पापा के साथ वीडियो बनाओ, पापा के साथ वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, हो गया हो गया, पार्ट टू भी शूट करना है। अभी, हाँ चलो। करें, ओहो, बुरा आपके सोच रहे सासू हैं। माँ का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने पहली बार आपको देखा था? डू यू फील प्राउड ऑफ योर डॉटर इन लॉ एज सी इज द वन ऑफ द मोस्ट फेबुलस यूट्यूबर, लॉट्स ऑफ लव, लव यू, थैंक यू सो मच। पहले तो, डज योर मदर इन लॉ लव्स यू और योर हस्बैंड? आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझको या नीरज को? आज हो जाए फैसला यहीं पे। नेक्स्ट है मम्मी आपके लिए, वर्षा को बोलो बेबी प्लान करे रे, आप और आपकी, आप और क्या आपकी सासुमा
आप और आपकी सासू माँ कितने बजे उठते हैं, मम्मी सच बताएंगे?